well-known Marathi actress Amruta Subhash, who has recently done a regional film Killer, celebrated the occasion of Eid with underprivileged kids at a popular radio station. Killer ki wajah se mujhe ye mauka mila. I'm very happy. It's a very touching moment for me ki ye sare bachchon ki jo khushi dikh rahi hai mujhe usse bahut मुझे भी खुशी हो रही है, बिकॉज खुशी जो होती है वो ऐसे फैलती जाती है ना, एक को होती है तो दूसरे को होती है, तो आई थिंक एक अच्छी चीज़ हम करते हैं तो अच्छा ही भी फैलती जाती है। वैसे ही मुझे लग रहा है कि किला नाम की एक अच्छी मूवी मैंने की, सो उससे कुछ अच्छे लोग मेरे ज़िंदगी में आ रहे, तो उस फिल्म की वजह से उन्होंने आज हमें यहाँ पे बुलाया, और ईद इतने अच्छी तरह से हम लोग मना रहे हैं, और इन सारे बच्चों को अच्छे अच्छे कपड़े पहन के उनको जो खुशी मिल रही है, उनके आँखों में जो खुशी है, मुझे लगता है कि हम फिल्म करते हैं कुछ सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए भी होता है। सो आज की ये जो खुशी है, जो खुशी इन बच्चों को लग रही है और उनकी वजह से मुझे लग रही है, वो किसी भी पैसे में किसी में भी उसके परे है ये, तो इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस एक्टिविटी के लिए, और थैंक यू सो मच। सो मुझे लगता है जो अच्छी फिल्म होती है उसकी कोई लैंग्वेज नहीं होती है, तो किला सबको अच्छी लगेगी। ये उसने प्रूव किया है, क्योंकि उसको जर्मनी में बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में क्रिस्टल बेयर मिला। इट्स द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू गेट क्रिस्टल बेयर। सो आई डोंट थिंक इट्स अ मराठी फिल्म और एनी लैंग्वेज फिल्म। आई थिंक इट्स अ वंडरफुल फिल्म विच वी लव्ड मेकिंग इट, एंड आई एम श्योर यू विल एंजॉय वॉचिंग इट। पावर्ड बाय NNIS।